हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ ऑर्डिनरी पीलिंग सॉल्यूशन A is 30%, B is 20% का लाइफ रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डेमो शेयर करूँगी, क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे क्या बेनिफिट मिला है एंड क्या साइड इफेक्ट है। सारे गाइडलाइंस के साथ मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ शेयर करूंगी विदाउट स्किप किए, पूरे वीडियो को देखना। तो पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर दी हूँ। 26 है तो 26 में मैं ये प्रोडक्ट लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा टिंटन जैसा फील दे रहा है तो वो तो होगा ही क्योंकि एक्सफोलिएट है, तो इसको लगा लेते हैं जल्दी। मैं एसी ऑन कर लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 10 मिनट के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज लग रहा है क्योंकि मेरा स्किन एकदम से सॉफ्ट हो गया है, स्मूथ हो गया है। डेड सेल था वो सारे चीज़ निकल गया है एंड आई फील सो फ्रेश। डेट हमेशा जब जब मैं लगाऊंगी मेंशन करती रहूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या है रिजल्ट में क्या नहीं है। मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, वो है पॉन्स। मॉइस्चराइजर भी लगा लिया है और मेरा रिजल्ट एक दिन में, पहला दिन था तो रिजल्ट तो अच्छा ही था। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में पिलिंग सॉल्यूशन। हे गाइस, A is 30%, B is 2% पिलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीक मैंने अच्छे से फेस को वॉश कर लिया है, टाइमिंग और डेट दोनों आप लोगों को दिखा दिया। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा टिन फील हो रहा है पर ठीक है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, घबराना नहीं है आप लोगों को भी। और अच्छे से 10 मिनट हो गया है, इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद देख सकते हो फेस कितना क्लीन लग रहा है, डेड सेल अच्छे से रिमूव हो गया है। आइसिंग करेंगे बट मेरे साथ एक दुर्घटना भी घट चुकी है, मैं क्या ही बताऊं। चलो ठीक है, कोई ना, मैं अच्छे से फेस को अभी क्लीन करके मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग देख लो। लाइव रिजल्ट अच्छा ही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये सेकेंड वीक में भी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, आई एम हैप्पी विथ दिस प्रोडक्ट। येस, अब मैं अच्छे से इसको अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा लूँगी क्योंकि मेरा यही मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप लोगों को जो सही लगे आप लगा लो। नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे। हे गाइस, थर्ड वीक पिलिंग सॉल्यूशन। A is 30%, B is 20% पिलिंग सॉल्यूशन के साथ। ऑर्डिनरी का सॉल्यूशन अभी मैं अच्छे से लगा लिया है एंड इसको मैं 10 मिनट के बाद रिमूव कर दिया है एंड मेरा फेस देखो कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। नेक्स्ट वीक मतलब सेकेंड वीक में जो रिजल्ट था, थर्ड वीक में और थोड़ा बेटर रिजल्ट लग रहा है एंड मेरा स्किन का टेक्स्चर भी बहुत सही लग रहा है। चलो अब इसको अच्छे से मैं आइसिंग कर ली हूँ। ये पार्ट मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ठंडा भी लग गया है मुझे, फेस भी मेरा थोड़ा रेड हो गया है एंड आई लाइक इट। चलो अब मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ एंड फिनिश, आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्लोली स्लोली ये प्रोडक्ट में मैं ट्रस्ट कर पा रही हूँ एंड आई लव इट। फोर्थ वीक में फिर मिलेंगे। तो आज मेरा फोर्थ वीक है ऑर्डिनरी का, सो आज मैं लगा, एक हफ्ता से ज़्यादा मैंने गैप लिया है बिकॉज मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था। जुखाम अभी भी है और ठंडा था, ठंडा लगा था, फीवर भी था और उस टाइम में आप लोगों को पता है कि मूड कितना चिड़चिड़ा हो जाता है, तो खाने का दिल नहीं कर रहा था कुछ, तो लगाने का तो बहुत दूर की बात है। तो चलो अभी बज रहे हैं 11:18 और 10 जुलाई मंडे। पहले इसको सेक कर लेंगे और आप लोग मैंने आप लोग आज लास्ट है तो मैं आप लोगों के साथ बातें करते करते सारी चीज़ शेयर करूँगी। तो आप लोग को मतलब लगाने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना यहाँ पे, मतलब लगा के आप लोग पहले 2 हफ्ता देख लेना पैच टेस्ट कर, जो बोलते हैं हल्का सा जलन जैसा, मतलब जलन ठीक नहीं है, मतलब चिक 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 करेगा, मतलब आपको इरीटेट करेगा, आपकी स्किन इरिटेट लगेगा एंड आप गर्मी में तो नहीं कर पाओ, इसलिए मैंने एसी ऑन रखा है कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा। सो चलो भी बताऊंगी और इसके बेनिफिट भी बताऊंगी। तो जिसके इसका साइड इफेक्ट यही है कि आपको इसको लगा के जिस दिन आप पीलिंग सॉल्यूशन लगा रहे हो आप
पहले तो आप EM में कभी गलती से नहीं लगाओगे, आपको हमेशा PM में लगाना है, शाम के बाद, 6 के बाद 7 के बाद या फिर आफ्टर डिनर। आप आराम से, मेरा मानो तो आफ्टर डिनर आराम से सारी चीज़ कर लो, 10, 11 बजे, 12 बजे आपको जब दिल करे आप लगाओ इसको, उसके बाद और कुछ नहीं लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। पर मॉइस्चराइजर में एक्टिव कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लगाना है, जैसे कि एक मिनट, ओहो मेरा हल्का हल्का टिन टिन हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। हाँ, तो विटामिन सी हो गया, रेटिनॉइल हो गया, ये सारी चीज़ आपको लगानी नहीं है। जस्ट एक दिन और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाओगे आप, फिर आप सो जाओगे। आपको ये करना है, ये चीज़ आपको फॉलो करना है। और दूसरा दिन आपको अच्छा SPF लगाना है, और एक चीज़ आपको SPF हर 2-2 घंटे तक लगाना है। और कोशिश करो ऐसा दिन चूज करने के लिए, जैसे कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल है वो सैटरडे लगा दो, ताकि संडे घर पे रहेगा तो सन कांटेक्ट में नहीं आएगा, शाम में जाएगा तो कोई बात नहीं है, जा सकते हो आप घूमने फिरने। एंड जो लोग जॉब भी करते हैं, बहुत सारा जॉब में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि संडे ही ऑफ होता है, बहुत जिस दिन ऑफ होगा उस दिन, उससे पहले एक दिन रात में कर लो, ताकि सन कांटेक्ट में ना हो तो अच्छा है। अगर जाना चाहते हो तो अच्छा SPF के साथ आप लोग जा सकते हैं। तो मैंने इसको लगा लिया है, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए अपने हाथ पे, आई मीन 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो ये इसका जो बेनिफिट है, जो मुझे समझ में आया, तो फर्स्ट वीक जो मैंने लगाया था, तो मुझे फर्स्ट वीक लगा था कि चलो स्किन क्लीन कर रहा है और डेड सेल रिमूव हो रहा है। एंड सेकेंड टाइम जब लगा था, सेम फीलिंग ऐसा था, बट मुझे थोड़ा सा मेरा स्किन टोन थोड़ा सा मतलब क्लियर लग रहा था, सनटैन था तो क्लियर तो लगेगा। एंड थर्ड टाइम जब कर रहा था, तो यस मेरा बहुत सारा जगह पे पिगमेंटेशन है, जैसे यहाँ पे है एंड यहाँ पे दोनों साइड में, तो वो ऐसा नहीं है कि गायब हो गया है, पर वो थोड़ा सा लाइट हुआ है। अभी तो जस्ट 1 मंथ ही वीक में लगा रही हूँ, तो इसको आप हफ्ते में 2 दिन भी लगा सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगी, ये एक पीलिंग सॉल्यूशन, एक एसिड है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा नहीं, आप लोग हफ्ते में इसको एक दिन ही यूज़ करो, उसके बाद आप लोग देखो कि स्किन क्या रिएक्ट कर रहा है, आपको सूट कर रहा है कि नहीं। बहुत सारा चीज़ होता है, क्योंकि हर एक स्किन क्वालिटी डिफरेंट होता है, सो उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, राइट? तो इसका ये पीलिंग सॉल्यूशन से जो बेनिफिट है, बेनिफिट होता है कि आपका पिगमेंटेशन लाइट होता है धीरे धीरे, ऑफकोर्स ये और अच्छा होगा इसको कंटिन्यू यूज करने से। एंड पीलिंग सॉल्यूशन से जो मैंने देखा है, जो पोर्स है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो रहा है, जो एक्ने का जो मार्क्स है वो थोड़ा सा लाइट होगा। एंड और एक चीज़ जो स्किन का जो सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगे, इंस्टेंट एक जो ग्लो देता है ना, वो तो बहुत ही अच्छा है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये पीलिंग सॉल्यूशन है, एक एसिड है, तो इसको भर भर के लगाना नहीं है कि इसको ये चलो लगा लेते हैं हफ्ते में 2-3 दिन, ऐसा नहीं करना है। जो लोग 18 प्लस है हफ्ते में लगाओ, जो 18 के नीचे है वो लोग तो लगा ही मत, टच ही मत करो। और एक चीज़ कि ये आपको बहुत अच्छा, मतलब आपको जो स्किन में जो एक जो लेयर आ जाता है, जो एक टैन हो जाता है, वो आस्ते आस्ते एकदम से, तो आपको एकदम से क्या समझ में आएगा, फर्स्ट डे अगर लगाओगे आपको उसको क्लियर लगेगा आपका स्किन, फिर उसके बाद आपको स्किन टोन थोड़ा सा अनइवन स्किन टोन जो रहता है वो थोड़ा सा आपको उसको थोड़ा सा विजिबल रिजल्ट दिखेगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क कर रहा है, क्योंकि ये सच में वर्क कर रहा है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि रिजनेबल प्राइस में अगर पीलिंग सॉल्यूशन इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाके 6-7 थाउजेंड के ये लो पीलिंग, ये फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ कराने का। बिकॉज मैंने कराया है ना, सो मैंने कराया है, तो आई नो कि बिफोर आफ्टर क्या है। वो भी आपको, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा डीप पीलिंग करते हैं, आपको पूरा स्किन पूरा ऐसा रिमूव होता है, बट रिजल्ट दोनों का 19-20 सेम ही है, 19-20। वो भी आपका ऐसा नहीं कि रात रात आपको एकदम काला से गोरा बना दे रहा, आपकी स्किन का पूरा एकदम लेयर हटा दे रहे, पिगमेंटेशन हटा दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी धीरे धीरे वर्क करते हैं, ये भी धीरे धीरे ही वर्क कर रहे हैं। सो यस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड
ये पिगमेंटेशन को भी बहुत अच्छे से टारगेट कर रहा है और पोर्स को भी मिनिमाइज कर रहा है और एक्ने स्कर को भी बहुत अच्छे से ये फेड कर रहा है, तो ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आप हल्का जो टिन जो आपको ये होता है आपको पैनिक नहीं करना है, आपको वो नॉर्मल है। और उसको रिमूव करने के बाद पानी से जब आप रिमूव कर लोगे उसके बाद आइस को अच्छे से रब करना, मैंने किया है वीडियो में, शायद जो आगे का जो क्लिप होगा उसमें इफेक्ट मिलता है, तो आपको बहुत अच्छे से हील करता है। एंड यस डेफिनेटली आपकी स्किन में बहुत अच्छे से क्लियरिटी आपको दिखने मिलेगा एंड अच्छा मिलेगा, अच्छा ही मतलब ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। यस गाइज, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ, नहीं, आगे वीडियो में भी आप लोग जब देखते रहोगे एंड वो आपको पता चलेगा मैं हर चीज़ किसी को रिकमेंड करने वाली में से नहीं हूँ, बट ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। बिकॉज क्या है ना, मैंने जो स्किन पीलिंग का वो भी एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर के पास जाके। हाल ही में मैंने ईद में जो ब्लॉक मैंने हाइड्रोफेशियल करवाया था, जो योलो पीलिंग करवाया था, उसका मैंने शेयर किया था कि कैसे मेरे स्किन निकल रहा है, तो वो भी मैंने एक पीलिंग किया था, तो उसका एक्सपीरियंस एंड ये ऑर्डिनरी का एक्सपीरियंस, तो दोनों का अगर मैं कंबाइंड करूँ तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ठीक है उसने अपना वर्क किया, ओके फाइन, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट भाई इसने भी कुछ मतलब कम नहीं किया है, ये भी बहुत अच्छा है। महीने में आपको एक बार करके करने बोलेंगे या फिर दो महीने में एक बार करके 6-7,000 तक आपको लग जाते हैं, 10,000 तक, कई जगह पे 10,000, तो डिपेंड करते हैं कि कौन सा डॉक्टर, थोड़ा सा एसी वेसी यू नो फैंसी अगर डॉक्टर का ये डिस्पेंसरी होगा तो 6,000 तक, 6 से लेकर 10 तक आपको चला जाता है। तो ये भाई 1,000 के अंडर है, 700 समथिंग इसका प्राइस है। बोल रही हूँ कि लगाते वक्त ही स्किन आपको लाइट दिखने के मिलेगा, मैंने जैसे 4 वीक लगाया है तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे वो समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे रिजल्ट दिख रहा है, पर अभी तो और सफर बाकी है, ये पूरा बॉटल खत्म करना है, उसके बाद तो मेरा तो स्किन और ज़्यादा क्लियर तो हो जाना चाहिए, बिकॉज ये पूरा जब खत्म करेंगे तो और अच्छे से रिजल्ट दिखेगा, है कि नहीं। बट हाँ, इसके साथ और एक चीज बोल रही हूँ मैं, ये जो जैसे मैंने आज लगाया है आपको 2-3 दिन तक इसका ग्लो दिखेगा, बट ये मेंटेन नहीं रहता है लॉन्ग टर्म में, मेंटेन जैसे एक हफ्ता आपका स्किन चमकेगा या फिर एक महीना चमकेगा ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्किन लगा लिया आपका अभी ग्लो करेगा, कल 2 दिन तक तो ग्लो करता है, उसके बाद जैसा आपका स्किन है वो रहेगा, पर जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा, आपका स्किन थोड़ा सा ब्राइट लगता है दिखने में, पर वो जो चकचक वाला जो ग्लो है वो नहीं रहता है, वो ये रियलिटी है। तो ये मैंने नोटिस किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, टाइम हो गया है, फिर मैं वॉश करके आप लोगों से, तो मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। और ये जो छोटा छोटा जो पिंपल दिख रहा है, क्योंकि मुझे पीरियड हुआ है और पीरियड होने से ये छोटा छोटा पिंपल मेरा निकल जाता है, कभी कभी निकलता है, इस बार तो निकल गया। सो एनीवे, देखिए आप, मैं बोल रही हूँ कौन सा पिगमेंटेशन के लिए, दोनों साइड को मेरे पे पिगमेंटेशन, यहाँ पे मेरा पिगमेंटेशन है, फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा जो पैचेस जो रहता है वो थोड़ा सा मेरा हल्का लाइट हुआ है, ऐसा नहीं कि गायब हो गया है, गायब नहीं हुआ है, हल्का लाइट हो गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा स्किन कितना क्लियर लगा, देखो ग्लो, मैं यहाँ से लेके यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कैमरा में देख रही हूँ, इधर मैं अपने आप को देख रही हूँ, तो आप लोग ये मत समझना कि मैं टेढ़ी हूँ, मजाक कर रही हूँ। और कोई लगा लड़का देख रहे हो, आप लोग भी लगा सकते हो, आप लोगों को भी तो बाइक में जाते हो कितना ज्यादा सन टैन हो जाता है, तो आप लोग भी लगा सकते हो, आप लोग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी मैं जो होम रेमेडी दिखाती हूँ या फिर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू मैं पहले आप करूँगी फ्यूचर में, जो मैंने किया भी है, जो मैं बताती हूँ, लड़का लड़की बोल के क्यों, जेंडर बोल के कुछ नहीं है, दोनों ही लगा सकते हैं। आप लोग देखो
कितना अच्छे से स्किन क्लियर नजर आ रहा है। सो मेरी बहनों देखो, अब मेरे क्लियर स्किन देखो, अभी तक मॉइस्चराइजर लगाया नहीं है। सो गाइस, मैंने 4 वीक का लाइफ रिजल्ट शेयर किया और लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि आप लोगों के सामने क्लियरिटी मिल सके। अगर आप लोग ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे। बाय।